देखिए किसकी पार्टी आई है किसकी पार्टी नहीं है इस विषय को लेकर करते हैं। पिछले 4.5 वर्षों से जहाँ मोदी सरकार ने गांव गरीब किसान जो विकास किया है, आम आदमी आम जनता ये महसूस कर रही है कि मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने आम आदमी के लिए काम किया है। आज हम लोग मोदी सरकार बार बार मोदी सरकार फिर एक बार संदेश को लेकर के कमल संदेश निकाल रहे हैं। बस्ती जिले के सभी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। ये बाइक यात्रा KDC से निकल करके शहर होते हुए प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स, लेकिन जो राम मंदिर से जुड़ी इसमें का हम मुद्दा मान रहे हैं और आप ही के मंत्री और विधायक कह रहे हैं कि सुनवाई कर रहा है। अब देखिए कोर्ट पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन राम मंदिर एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। राम मंदिर हम सबके हिंदुओं के पूरे हिंदुस्तान के लोगों के आस्था का विषय है। राम मंदिर बनना चाहिए, इस प्रकार की हम लोगों की मांग है और उस दिशा भी कर रहे हैं और कार्यक्रम भी कर रहे हैं। राम मंदिर ये बन जाएगा, अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं, अभी कोर्ट में चल रहा है, सरकार से बातचीत चल रही है, कोर्ट में भी हम लोग अपील कर रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी 2019 के लिए पूरी तौर पर तैयार है और उसका एक प्रत्यक्ष स्वरूप आज उत्तर प्रदेश के प्रत्येक लोकसभा में दिखेगा। उसी क्रम में बस्ती में भी यहाँ 2300 से ऊपर बूथ हैं, प्रत्येक बूथ से सूचीबद्ध 5 बाइक सवार कार्यकर्ता और 5 अन्य कार्यकर्ता उनके पीछे बैठकर यहाँ आने वाले हैं और ये एक 7 से 8 किलोमीटर के एक रूट पर सामूहिक रूप से बाइक यात्रा करके जनता के बीच संदेश देंगे और यहाँ से संकल्प लेकर विदा होंगे कि 2019 में 14 से भी बड़ी बहुमत के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना है। उसी संदर्भ में इस कमल संदेश बाइक रैली का आयोजन हुआ है और आज बस्ती की सड़कों पर भाजपा और कमल चौधरी साहब का संदेश बड़े पैमाने पर जाएगा सुनकर जी होंगे और इसी के दृष्टि से इस आयोजन को किया गया।